नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सबको पता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का गुणगान कितना आप सरकार करती रहती है। सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इसके अलावा संजय सिंह, जो भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के साथ ही, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का गुणगान दिन रात करते रहते हैं। दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिक का भी गुणगान हमेशा होता रहता है। यहाँ तक कि जब चुनाव आते हैं तो अरविंद केजरीवाल इन्हीं की बदौलत चुनाव में प्रचार प्रसार भी करते हैं, और वो कहते हैं कि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिल्ली को दिया है, सरकारी अस्पतालों को, सरकारी स्कूलों को, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर उस राज्य को देंगे। अब दिल्ली से निकलकर पंजाब में सत्ता मिली तो उसके बाद वहाँ पर भी यही बातें चल रही थी कि वहाँ पर सरकारी अस्पताल अच्छे किए जाएंगे, वहाँ पर सरकारी स्कूल अच्छे किए जाएंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सीएम केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर ही सवाल उठ गया और उनकी सरकारी अस्पतालों की पोल उनके पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ही खोल कर रख दी। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवंत मान बीमार पड़े तो वो दिल्ली आए। जी हाँ, चंडीगढ़ और इसके अलावा उन्हें पंजाब में कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं मिला जहां पर वो एडमिट हो सकें, और वो सीधे दिल्ली आए। दिल्ली आए तो आप अगर सोच रहे होंगे यहां पर किसी सरकारी अस्पताल में वो एडमिट हुए, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना इलाज करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो में, जिसके बाद अब पूरी तरीके से ट्विटर पर आप सरकार को घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार हमलावर है। इसके अलावा तमाम यूजर भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों पर सवाल उठा रही है और ये भी कह रहे हैं कि क्या पीजीआई चंडीगढ़ में भी इलाज नहीं हो सकता था, क्या इतने हालात वहां पर खराब हैं। आपको बता दें कि पेट में दर्द के कारण भगवंत मान दिल्ली आए, जहां पर बुधवार रात उनका इलाज हुआ और अपोलो में वो एडमिट हुए, जिसके बाद तमाम सवाल अब दिल्ली सरकार पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ट्विटर पर दिल्ली सरकार के खिलाफ सवाल हो रहे हैं। जैसे बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह लिखते हैं, भगवंत मान अपोलो में इलाज करवाते हैं, सत्येंद्र जैन मैक्स में, श्रीमती केजरीवाल वेदांता में, केजरीवाल बंगलोर में, फिर भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हैं। ये है विज्ञापन का कमाल। इसके अलावा एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इफ दिल्ली गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इनटू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देन व्हाई योर पार्टी चीफ मिनिस्टर इज गोइंग फॉर चेकअप इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, पंजाब सीएम भगवंत मान एडमिटेड टू अपोलो हॉस्पिटल इन दिल्ली, कंप्लेंट ऑफ स्टमैक, पंजाब सीएम मान नाइदर हैज ट्रस्ट ऑन पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, सीएम भगवंत मान जी एयर लिफ्टेड एंड एडमिटेड इन अपोलो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, व्हाई व्हेन अरविंद केजरीवाल हैव वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक। इसके अलावा एक और यूजर आप सरकार की खिंचाई करते हुए लिखते हैं, भगवंत मान एडमिटेड टू अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली फॉर अ रूटीन चेकअप, सेज दिस न्यूज आइटम, व्हाई वुड ही नॉट गेट दिस चेकअप डन इन पीजीआई चंडीगढ़। तो इस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में जो कि दिल्ली में है, जिसका गुणगान अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक करते रहते हैं, यहां तक कि भगवंत मान भी इसके गुणगान करते रहते हैं। और जब पंजाब में चुनाव लड़ना था तो इन्हीं सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने, सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करने का हवाला इस सरकार ने दिया था, लेकिन हालात ये हैं कि पीजीआई चंडीगढ़ तक में भगवंत मान अपना इलाज नहीं करा पाए और उन्हें उड़कर दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली भी आए तो प्राइवेट हॉस्पिटल अपोलो में उन्होंने इलाज करवाया, जिसके बाद तमाम तरह के यूजर्स अब कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या दिल्ली में जो सपने अरविंद केजरीवाल ने दिखाए थे वो सब केवल झूठे थे। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर, अपनी राय भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं।